हेलो बच्चों, तो आज हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक्स का नाम हमारे पास है कंसंट्रेशन टर्म। तो आज हम थोड़ा सा कंसंट्रेशन टर्म के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जब भी हम किसी सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं, सॉल्यूशन में हमारे पास जो है दो पार्ट होने वाले हैं। सॉल्यूशन में दो पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारे पास होता है सॉल्यूट, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या होता है जिसकी हम बात करते हैं, दैट इज योर सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट आपके पास क्या होगा, इसको आप बोलेंगे प्रेजेंट इन आपके पास आ जाएगा, दैट इज स्मॉल अमाउंट। तो सॉल्यूट आपके पास क्या होगा, ये आपके पास जो है जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। और यहां तक हम सॉल्वेंट की बात करें, सॉल्वेंट क्या होता है, जो आपके पास एक्सेस में प्रेजेंट होता है, जो भी एक्सेस में प्रेजेंट होगा उसको आप क्या बोलोगे, दैट इज योर सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा सॉल्वेंट और सोल्यूट की बात कर रहे हैं। तो देखिए, कंसंट्रेशन यहाँ पे पहला टर्म है। अगर हमें कंसंट्रेशन को डिफाइन करना पड़े तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन किया जा सकता है आपके पास कैसे, दैट इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ यहाँ पे आ जाएगा सोल्यूट प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, इन यहाँ पे आ जाएगा दैट इज गिवन अमाउंट ऑफ, यहाँ पे आपके पास आ जाता है सॉल्वेंट, कितना सॉल्यूट जो है वो गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। नॉर्मली जो सॉल्वेंट ले लिया जाता है वो कितना लिया जाता है, 1 लीटर। 1 लीटर जो आप इसको क्या ले सकते हैं, दैट इज योर 1000 ml। इतना अमाउंट जो है वो जनरलाइज केसेस में हम हमेशा लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म की बात करें, कंसंट्रेशन टर्म जो है वो आपके पास अलग अलग तरह के होते हैं। कंसंट्रेशन टर्म को हम अलग अलग टाइप में क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म जो है वो 3 तरह की हमारे पास आती है। कौन कौन सी आएंगी? एक तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाता है जिसको हम बोलते हैं, दैट इज योर परसेंटेज, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दैट इज परसेंटेज, ये आपके पास क्या बनता है, परसेंटेज सॉल्यूशन। जो परसेंटेज परसेंटेज जो है, आप इसको परसेंटेज को फर्दर 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। परसेंटेज सॉल्यूशन, जो परसेंटेज टर्म को आप 3 तरह से डिवाइड करते हैं। एक क्या होती है, परसेंटेज, यहाँ पे हो जाएगा वेट बाई वेट। एक आपके पास होता है परसेंटेज, यहाँ पे आ जाएगा दैट इज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। और एक आपके पास आ जाएगा दैट इज परसेंटेज, यहाँ पे क्या बनेगा, दैट इज वेट बाई वॉल्यूम। एक पॉइंट तो ये आपके पास आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम और कंसंट्रेशन टर्म की बात करें, हमारे पास आ जाता है दैट इज मोलैरिटी। देन आपके पास यहाँ से आ जाएगा जिसकी हम बात करते हैं, दैट इज योर मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से, और मोलैरिटी को स्मॉल एम से। इसके बाद आपके पास आ जाएगा जिसकी हम बात करते हैं, दैट इज योर मोल फ्रैक्शन। एंड देन आपके पास आ जाता है दैट इज जिसको हम बोल सकते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, नॉर्मेलिटी आपके पास आ जाता है। इसके अलावा अगर हम और कंसंट्रेशन टर्म की बात करें, हमारे पास आ जाता है यहाँ पर पार्ट्स पर बिलियन, हमारे पास आ जाएगा पार्ट्स पर मिलियन। पहले तो पार्ट्स पर मिलियन की बात करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन हमारे पास आ जाएगा जिसको क्या बोला जाता है, दैट इज योर पीपीएम। इसके बाद हमारे पास यहाँ से आ जाता है जिसको बोला जाता है पार्ट्स, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दैट इज पर, यहाँ पे आ जाएगा विलियन, पार्ट्स पर विलियन जिसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज योर पीपीबी भी जिसको बोला जाता है। तो ये कुछ कॉमन कंसंट्रेशन टर्म जो है वो हमारे पास जो है यहाँ पर यूटिलाइज की जाती है। तो पहले हम बात करते हैं परसेंटेज सॉल्यूशन की। सबसे पहले हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, परसेंटेज। परसेंटेज सॉल्यूशन में पहला जो टर्म हमारे पास आता है इसको हम बोलते हैं, दैट इज योर परसेंटेज वाई, यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, दैट इज मास। तो क्या जाएगा, इसको हम बोलेंगे परसेंटेज वाई, यहाँ पे आपके पास क्या जाएगा, मास। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, परसेंटेज वेट वाई वेट से आप इसको क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे, किससे रिप्रेजेंट करोगे, परसेंटेज वेट वाई वेट से। तो परसेंटेज जो है वो आपके पास वेट बाई वेट किसके इक्वल आ जाएगा, ये आपके पास होगा यहाँ से आ जाएगा दैट इज अमाउंट ऑफ, यहाँ पे आपके पास बनेगा सॉल्यूट डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आपके पास बनेगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू आपके पास क्या बनेगा, दैट इज योर 100। ये सबसे बेसिक टर्म यहाँ पे आपके पास है। मान लीजिए अगर मैं 5% वेट बाई वेट जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बनाना चाहता हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इनटू, किसमें डिसॉल्व किया, डिसॉल्व इनटू
आपके पास आ जाएगा, दैट इज 95 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 95 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में इसको क्या किया है, डिजोल्व किया है, तभी तो आपके पास बनेगा 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस कितना बनेगा 95, क्योंकि तो 5 तो सॉल्यूट का अमाउंट है, तो इसका मतलब ये आपके पास बनेगा 5%। यहां से आ जाएगा वेट बाई वेट, दिस इज परसेंटेज बाई मास। और अगर हम यहाँ पर सेकेंड पॉइंट की बात करें, ये आ जाता है दैट इज योर परसेंटेज वाई। यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं दैट इज योर वॉल्यूम। तो परसेंटेज वाई वॉल्यूम का मतलब है परसेंटेज वी वाई वी से इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा परसेंटेज वाई जो वॉल्यूम है ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये इसके इक्वल जो है यहाँ से बन जाएगा। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, परसेंटेज वॉल्यूम वाई वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सल्यूट डिवाइडेड बाई यहाँ से आ जाएगा दैट इज वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दैट इज सॉल्यूशन इनटू आपके पास क्या जाएगा दैट इज शेयर 100। तो अगर हमारे पास 5% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इथेनॉल सॉल्यूशन है, कैसा सॉल्यूशन है, इथेनॉल सॉल्यूशन, इसका मतलब इसको हमने किसमें डिसॉल्व किया है, 5 ml ऑफ इथेनॉल ये आपके पास आ जाएगा डिसॉल्व इनटू किसमें डिसॉल्व किया है, डिसॉल्व इनटू आपके पास आ जाएगा दैट इज 95 ml ऑफ, यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा वाटर। तो 95 ml ऑफ वाटर में इसको हमने क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। अब लास्ट में अगर हम बात करें तो लास्ट में हमारे पास जो है यहाँ पे आता है जिसकी हम बात करते हैं दैट इज परसेंटेज वेट वाई वॉल्यूम। तो लास्ट में हम किसकी बात कर रहे हैं, जो थर्ड टाइप